Hello guys, this is Manti from avithabi.in coming to question number 3, exercise 5.3. So in this question we have, find first part hai probability of the pointer stopping on D in question number 1 A part. This is from the reference or question number 1 ka A part hamare paas ye bana tha. So humse pucha hai ki kya probability hai ki jab hum isko spin karenge to ye arrow ke samne D aayega. Sabse pehle yahan pe word aaya probability. Probability ka मीनिंग क्या है? अगर हम उसका नॉर्मल मीनिंग देखें तो होता है चांसेस, जैसे कि आज रेन होगी या नहीं होगी, उसके क्या चांसेस है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज रेन होगी या क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज रेन नहीं होगी. ओके, सो अब यहाँ पे भी ये पूछा है कि क्या चांसेस है कि इस पे स्पिन करने पे डी आएगा. सो प्रोबेबिलिटी का फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total number of observations. अब favorable outcomes क्या होते हैं, ये हम अभी questions में करते हुए आए थे कि जो हमें चाहिए उसका outcome क्या होगा. So वो हो गया favorable outcome. उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने में से. जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लें, सो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या होगा, हमसे पूछा है कि स्पिन करने पे वो स्टॉप हो डी पे, उसके क्या चांसेस है. तो यहाँ पे डी कितनी बार है, एक बार. सो मतलब एक ही फेवरेबल आउटकम है, एक ही बार आ सकता है डी. तो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने है यहाँ पे, 1 2 3 4 5. सो टोटल आर 5. So this means probability of coming D is 1/5. ये D आने की probability हो गई, ठीक है. So ये part यहीं पे खत्म होता है. But अगर मैं एक example लूँ, let's suppose यहाँ पे probability पूछी होती A की. So A की probability क्या होती, D तो एक बार है, A दो बार है, means 5 में से 2 बार A आ सकता है. So that will be, अगर हम A की probability निकालते, so वो हो जाता 2, क्योंकि 2 बार आ सकता है A. And upon total number of observation again 5, so 2/5 हो जाए. This is just an example, आपसे सिर्फ यही वाला पूछा है, ठीक है. So this was the A part. Now let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में we have probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. अब playing cards सबको पता है कैसे होते हैं. So पूरे रूम एक deck देखिए playing card का, तो उसमें 52 cards होते हैं. इन 52 कार्ड्स में से दो पार्ट होते हैं, हाफ आर रेड हाफ आर ब्लैक, मींस 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं. एंड इसके अंदर भी अलग अलग तरह के होते हैं. लाइक अगर हम रेड कार्ड्स देखें तो रेड कार्ड्स एक हमारे पास होते हैं हार्ट एंड द अदर वन आर डायमंड, व्हिच मींस 13 हार्ट कार्ड्स एंड 13 डायमंड कार्ड्स. सिमिलरली ब्लैक कार्ड में भी दो टाइप्स होते हैं, वन इज स्पेड एंड द अदर वन इज क्लब, अगेन 13 13. सो इस तरह से पूरे ये प्लेइंग कार्ड्स का डेक बनता है 52 कार्ड्स. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस. अब एस वाला कौन सा होता है, वन नंबर वाला जो होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज एस फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ. अब कि एस आएगा अगर, जैसे आपने पूरे कार्ड को शफल कर लिया और आपने एक उसमें से कार्ड निकाला, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उस कार्ड पे वन लिखा होगा. सो अगेन प्रोबेबिलिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, राइट. सो नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा. अब मोस्टली यहाँ पे क्या गलती होती है कि एस आएगा, इसके लिए हम कर देते हैं कि एक वन कार्ड होगा, लेकिन एस का मींस वन नंबर के चार कार्ड होंगे, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का और एक क्लब का. सो दिस मींस 4 कार्ड ज्यादा है जो जिनपे वन नंबर होगा. सो दिस मींस 4 अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, दैट इज 52. सो 4/52. अब अगर हम इसको कट करें, सो 4 1s are 4 4 1s are 4, अगेन 12 विल बी 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/30, राइट.
So this means 1 upon 13 is the probability of coming at ease. Okay, so this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part mein we have probability of getting a red apple. So ab yahan pe aapke paas ek circle mein different apples hai aur usme colors given like green, red, 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 green, red, green. So क्वेश्चन में हमसे पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी है. लेट सपोज अगर ये किसी अंदर किसी चीज के बंद है और मैं इसमें हैंड पुट करके एक एप्पल निकालती हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड एप्पल होगा. सो अगेन प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. आउटकम या ऑब्जर्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं. सो हियर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है. दैट इज अ रेड एप्पल. सो यहाँ पे रेड एप्पल कितने हैं. 1, 2, 3 and 4 मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 4 एंड टोटल कितने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो दिस विल बी 4/7. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल इज 4/7. ठीक है. So this was question number 3. Now let's come to the next question.